बहुत अच्छी थी। इन लोगों का जो लव स्टोरी था ना, फंटास्टिक, बहुत अच्छा था। नेम में मुझे लव स्टोरी उनकी बहुत अच्छी लगी, एंड उनकी मीन्स बिहार की जो स्टोरी बताई है, मीन्स पहले ऐसा होता था लेकिन अभी तो उतना नहीं हो रहा है, लेकिन अच्छी लगी स्टोरी भी उनकी, मीन कंटेंट जो थे वो भी बहुत अच्छी थी मूवी की। सिद्धार्थ मल्होत्रा और वो काफ़ी अच्छा कपल है, ऑन स्क्रीन अच्छा कपल है, तो एंटरटेनिंग था, बहुत अच्छी है, काफ़ी एंटरटेनिंग है, फनी है, ह्यूमर है, गाने बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छी है। फिल्म में खास बात वो बिहार के ऊपर जो बनाई है स्टोरी, दहेज के ऊपर, अच्छी लगी। जयबरिया जोड़ी एक ऐसी फिल्म है जो युवा फिल्म को नहीं देखेगा वो पछताएगा, ये संजय भूषण पटियाला का गाना है, क्योंकि जयबरिया जोड़ी एक ऐसी सिनेमा बनाया प्रशांत जी ने जो हर युवा दर्शक को देखनी चाहिए। फिल्म में सिद्धार्थ जी का और प्रणदीप चोपड़ा का जो जोड़ी है कमाल की बनाई है, और जो इसके लैंग्वेज को पढ़ाया गया है बिहार पटना का जहाँ की हमारी राजधानी है, उन्होंने बखूबी 100% दिया है लैंग्वेज में। सबसे अलग था, बॉलीवुड से भी अलग था, भोजपुरी से भी सबसे अलग था, फंटास्टिक, सुपर। डायरेक्शन भी अच्छी थी उन्होंने, मीन्स जहाँ से उठाया है इनके स्टोरी को बिहार में, मीन्स ऐसी होती थी पहले वहाँ पे, इसलिए वो स्टोरी मुझे, मैं बिहार का हूँ इसलिए मुझे मालूम है। जितना मैं देख पा रही थी कि सब लोग मूवी एंजॉय कर रहे थे, लास्ट तक भी कुछ कुछ डायलॉग्स पे लोगों को हंसी आ रही थी, तो काफ़ी कनेक्टिंग थी, ऐसी बोरिंग मूवी नहीं थी, एंटरटेनिंग थी। अच्छा, बोरिंग तो नहीं है, कॉमेडी है, सब है, गाने हैं, सब कुछ है। फिल्म सुपर हिट जाएगी, और आज भी मुझे लगता है कि मैं तो फर्स्ट शो देख के निकल रहा हूँ, यहाँ भी काफ़ी क्राउड देखने को मिल रहा है, सब जगह पे बिहार में धमाल करने वाली है। सॉन्ग्स भी बहुत अच्छे हैं, द हार्ट ब्रेकिंग सॉन्ग वॉज देयर, लव सॉन्ग वॉज देयर की होंदा प्यार, और ख्वाब फरोशी, तो उसमें उनका जो इमोशनल कनेक्ट बताया वो बहुत अच्छा है। आई रियली लव द सेकेंड पार्ट, वो बहुत अच्छा था। लास्ट गाना अच्छा है, टाइटल सॉन्ग जो लास्ट में जो गाना है टैटू वाला, गाने और डायलॉग दोनों बेस्ट हैं, कोई कहीं से फिल्म में माइनस नजर नहीं आया मुझे तो। फाइव स्टार 2.5 to 3 stars 5 out of 5% 3